चलिए बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? और बताइए, तैयारी वैयारी चल रही है कुछ? चलो, मौसम का मजा उठा रहे हो, है ना? गर्मी स्टार्ट हो गई है अपनी थोड़ी थोड़ी। हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब सारा पीजिए। चलिए अब कुछ बात करते हैं। चलो बताओ बच्चों, तैयारी क्या, किस मोड़ पे पहुंची तैयारी? बढ़िया, कुछ मज़ा आ रहा है आजकल पढ़ते हुए? हाँ, क्योंकि बच्चों ने बताया कि सर, जो लास्ट अपने टाइम एंड वर्क का पाइपिंग सिस्टम के क्वेश्चन से लेवल काफ़ी अच्छा था। हाँ, जो मैंने पहले बी वा क्या वो कराया उनसे तो काफ़ी बढ़ के लेवल था, चाहे वो पाइपिंग सिस्टम हो, और जैसे रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, तो वो भी मैंने कोशिश की है कि करवा दूँ आपको एक सेशन में। उसके बाद टाइम एंड वर्क के जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, वो भी मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूँ, चाहे वो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो। तो दीज आर सम स्पेसिफिक टाइप्स, तो प्लीज़ इनके नोट्स बनाइए अच्छे से। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, नहीं दिख रहा? अच्छा, हट जाता हूँ भाई, हट जाता हूँ। अच्छा, टॉपिक नहीं दिख रहा, आज का टॉपिक है चेन रूल, है ना? सो व्हाट इज चेन रूल, तो बताइए कुछ। चेन रूल के बारे में बताओ भाई, क्या होता है चेन रूल आपका? क्या होता है आपका चेन रूल? जो कड़ियों की तरह जुड़े, ऐसा ही कुछ? वो MDH मसाले वाला कॉन्सेप्ट बोलते तो उसको आप, है ना, MDH, MDH। चलो हम आप वन बाय वन समझेंगे कि है क्या ये MDH या आपका जो चेन रूल है कॉन्सेप्ट। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि वर्क मेरे पास क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क मेरे पास क्या बच्चों? टाइम इनटू ऑफ एफिशिएंसी। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं नंबर ऑफ मैन वुमेन्स को बीच में लेके आने वाला हूं। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई मेरा W1 वर्क है, वो क्या होगा? M1 B1 H1 E1। मैं लिख देता हूँ, M क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ मैन, ओके, D है नंबर ऑफ डेज, H है नंबर ऑफ आवर्स, E4 एफिशिएंसी। ठीक है, E4 एफिशिएंसी। कुछ टाइम बराबर भी हो सकता है, कुछ टाइम ये नहीं भी बराबर हो सकता। ठीक है, W2 देखो क्या है मेरे पास। M2, D2, H2 एंड E2 इज क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। क्लियर? और यहां से 1 क्या आएगा, M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 इज ए क्लियर। तो ये क्या किया, ये मैंने वर्क को कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, बराबर कर दिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, N1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 इज ए क्लियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका चेन रूल, जो मैं अब क्वेश्चन में करने वाला हूँ। होपफुली क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, मैंने थोड़ा बता दिया आपको कि चलो जो बच्चा अभी भी जुड़ा मेरे साथ वो कर सके। भाई पूरा पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, बट आपका काम क्या, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है? लाइक तो कर ही देंगे आप। चलिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। वो कह रहा है कि कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर है भाई, वो 40 दिन में करने वाला है। ही इंगेज 100 मैन एट द बिगिनिंग एंड 100 मोर मैन आफ्टर 35 डेज द कम्प्ली एंड कम्प्लीट्स द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब है ऑन टाइम, कि अगर 40 दिन में करना था तो बेटा 40 दिन में ही हमने किया उसको। क्लियर है? इफ यू हैड नॉट इंगेज द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड। कि भैया अगर मैं उन 100 एक्स्ट्रा मैन को ना लेके आता या लेके आती, तो ये बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा लगते हैं मुझे इस काम को खत्म करने में, ये बताना है मुझे इस क्वेश्चन में। चलो देखें जरा। देखो क्या कह रहा है वो, सबसे पहली बात, W क्या था मेरा, M1 D1 H1 E1, जो चीज नहीं दिया उसको 1 मान लो या कॉन्स्टेंट मान लो। अब अगर मैं वर्क W1 की बात करूं, मेरे पास क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 40 डेज, मतलब 40 दिन में काम खत्म करना है। ठीक है, उसने क्या किया, ही इंगेज 100 मैन एट द बिगिन ऑफ
एंड 100 आफ्टर मोर आफ्टर 35 डेज. सो डब्ल्यू वन क्या होगा, वर्क फॉर फर्स्ट 35 डेज, कि पहले 35 दिन का काम कितना होगा भाई, कितना होगा एम वन डी वन, यानी 100 बंदों ने काम किया और कितने दिन तक, 35 दिन तक, तो ये कितना हो गया आपके पास 3500 हो गया. क्लियर. अब इसके बाद डब्ल्यू टू क्या आपके पास, वर्क फॉर लास्ट 5 डेज. ठीक है भाई. इसका मतलब लास्ट के 5 दिन हुआ क्या, 100 बंदे तो पहले थे, 100 बंदों को मिला लिया गया, तो भाई कितना हो गया, 200% हो गए, यानी कितना हुआ 1000. तो टोटल जो मेरा वर्क है ना वो कितना आ गया, इसका मतलब टोटल जो भी काम करना चाहिए था वो कितना था बच्चों मेरा 4500. इज इट क्लियर. अब वो क्या कह रहा कि भाई अगर ये काम, अगर ये काम सिर्फ और सिर्फ 100 बंदे करते तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगते मेरे को. तो मेरे पास क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू, या मैं क्या बोलूँ, एम वन डी वन नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज. तो 4500 100 मैन है और नंबर ऑफ डेज का मुझे पता नहीं, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए मेरे पास 45. इसका मतलब जो काम 40 दिन में होना चाहिए था वो कितने हो भाई, 45 दिन में. इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता, ऑप्शन नंबर बी 5 डेज. क्लियर. सो दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन कि 40 दिन काम अगर 45 में खत्म होगा तो 5 दिन मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों में. चलो करो उस क्वेश्चन को प्लीज. अ फोर्ट हैड प्रोवाइडेड, या अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज. आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट डेज. करिए क्वेश्चन जरा प्लीज, लगाओ जरा दिमाग इस पर कैसे करेंगे. इसमें भी वर्क को स्प्लिट कर दिया गया क्योंकि 45 दिन काम होना है, 10 दिन के बाद 25 छोड़ के चले गए, तो पहले 10 दिन का काम निकालो फिर देखें कितने दिन में करना है. चलो देखें जरा. देखो भाई उसने क्या बोला, W1 यानी मैं क्या बोलूं, फर्स्ट 10 डेज वर्क कितना हो गया बेटा, 150 बंदों ने 10 दिन तक किया. कितना हो गया, 150 इंटू 10 ही रहने दो. ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं हो क्या रहा है, टोटल वर्क कितना था मेरे पास, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, टोटल वर्क कितना था मेरे पास भाई, 150 बंदों का 45 दिन का खाना है. ये सिंपल सी बात है ना कि 150 बंदों ने 10 दिन काम किया जबकि 150 बंदों को करना कितना था, 45 दिन काम, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है भाई टोटल था 150 गुना 45 माइनस 150 गुना 10, तो 150 को हम ले लो भाई कितना बचा, 45 माइनस 10, तो ये कितना होगा 145 गुना, ये मेरे पास क्या है रिमेनिंग वर्क. सो दिस इज माय रिमेनिंग वर्क. क्लियर. अब वो क्या कह रहा है भाई कि अब 10 दिन के बाद हुआ गया 25 मैन लेफ्ट द फ्रंट, यानी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मैन कितने मेरे पास, नंबर ऑफ मैन इन टू डेज, यानी अगर 150 थे और भाई 25 छोड़ के चले गए तो कितना बचा, इंटू नंबर ऑफ डेज. सो 25 पंजा 25 का 150, 5 × 7 = 35, तो 6 × 7 कितना हो बेटा, ऑप्शन नंबर सी 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर. तो वेरी गुड क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऑलमोस्ट. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन हू केम इन टू एग्जाम. सो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं. क्लियर है. चलो नोट करो, नेक्स्ट पे चल रहे हैं.
चलिए प्लीज करीन पूछूंगा जरा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए 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 अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वाला, ट्राई करो उसको। देखो क्या दिया है, टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ डे। अब एंड का मतलब क्या, वो एक साथ काम कर रहे हैं। एंड का मतलब क्या कि वो एक साथ काम कर रहे हैं। एंड थ्री मैन एंड टू वुमेन इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाय 5 मैन एंड 4 वुमेन वर्किंग टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसको, करिए। चलो भाई क्वेश्चन क्या दे, देखो टू मैन एंड थ्री वुमेन यानी टू मैन प्लस थ्री वुमेन यानी मैन इन टू कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 डेज में काम कर रहे हैं। एंड सेम काम को थ्री मैन प्लस टू वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 7 डेज में कर रहे हैं। और मुझे क्या बताना है कि भाई 5 मैन एंड 4 वुमेन कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले मुझे मैन और वुमेन के रेशियो चाहिए, किसकी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 16M प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 21M प्लस 14W, इज ए क्लियर। सो ये कितना हो भाई मेरे पास, 16M माइनस 21 वुमेन इज इक्वल टू कितना, 21 मैन सॉरी इज इक्वल टू 14 वुमेन माइनस ऑफ 24 वुमेन। तो ये कितना हो गया, माइनस 5 मैन इज इक्वल टू माइनस 10 वुमेन। सो मैन अपॉन वुमेन कितनी आ गई मेरे पास, 2/1, इज ए क्लियर। सो मैन अपॉन वुमेन का रेशो कितना आ गया, 2:1। इसका मतलब मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशो बच्चों वो कितना है, 2:1 है मेरे पास, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से क्या दिया है, अब मुझे क्या करना है, देखो वर्क चाहे इसको ले लो चाहे इसको लो, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाले को लेता हूँ, तो मुझे करना क्या है, इसको उठाते हैं, तो 2 into 2 प्लस 3 into 1 into 8 इज इक्वल टू 5 into 2 प्लस 4 into 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, इज दैट क्लियर। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। तो एम और डब्ल्यू की जहाँ जहाँ वैल्यू थी मैंने सारी पुट कर दी है, कितना होगा, 4 × 7 × 8 बराबर 5 × 10 4 × 14 × नंबर ऑफ डेज। तो 7 × 2 = 14, 2 × 4 = 8, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 4 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज मार्क कीजिए इसको जरा, अगले क्वेश्चन में चलेंगे फिर। चलिए भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, इफ 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चाइल्ड, मतलब अब तीन के काम को कंपेयर कर दिया गया मेरे पास। सो वर्क मेरे पास क्या आएगा भाई, 10 मैन और का मतलब इक्वल टू 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ। ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क, क्लियर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 10 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड इज इक्वल टू के ले लो, ठीक है। सो मैन इज इक्वल टू क्या आ गया, के बाय 10, वुमेन कितना आ गया, के बाय 20, और चाइल्ड कितना गया, के बाय 40। सो ये कितना आ गया, के को अगर मैं कैंसिल करूँगा 1/10 रेशो 1/20 रेशो 1/40, क्लियर। सो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनका एलसीएम ले लो, अगर इसका एलसीएम 40 आ गया तो 40 से गुना करो, 4 × 40 × 2 × 40 1, तो ये कितना आ गया,
फोर रेशो टू रेशो वन, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, इनकी एफिशिएंसी का रेशो किसकी, मैन वुमेन चाइल्ड, ये मैन की आ गई, ये वुमेन की आ गई और किसकी आ गई, चाइल्ड की, क्लियर है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें मुझे क्या करना है, देन फाइव मैन फाइव वुमेन एंड फाइव चिल्ड्रन, मतलब फाइव मैन प्लस फाइव वुमेन प्लस फाइव चिल्ड्रन, नंबर ऑफ डेज कितने लगाएंगे और काम कितने मेरे पास, टेन एम इन टू ऑफ सेवन, तो फाइव अगर मैं कॉमन ले लूँ कितना बचा मेरे पास, मैन वुमेन चाइल्ड कितना है, चार पाँच एक सात, चार प्लस दो प्लस एक इजिकल टू टेन इंटू नंबर ऑफ मैन कितने भाई, चालीस, एफिशिएंसी इंटू सात, तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज, सॉरी इसके साथ ही है, ये है मेरे पास, तो ये कितना गया, पाँच गुना सात गुना नंबर ऑफ डेज इजिकल टू दस गुना चार गुना सात, तो भाई सात से सात गया, पाँच दूनी दस, तो क्या मेरे पास आठ उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी एट मंथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्योंकि तीन वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बन सकती है आपके लिए, क्लियर है। एक और कन्फ्यूजन नहीं रखनी बिल्कुल भी माइक्रो कोर्स को लेके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि माइक्रो कोर्स क्या है, माइक्रो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे भी फोकस करना सिखाएगा, इन द सेंस जैसे अगर आपका कोई टॉपिक है, जैसे मैं ये बात कर लूँ, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको आता है बट आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं है, तो कहीं पे भी आप जाओगे बेटा आपका पूरा कोर्स मिलेगा, वाई शुड वी हैव टू परचेज द कंप्लीट कोर्स, क्यों हम कंप्लीट कोर्स को खरीदें जब हमारे पास ऑप्शन है कम पैसों में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, वही है मेरा माइक्रो कोर्स, लेक्चर के एंड में पूरा बताऊंगा, क्लियर है। चलिए चलिए, अ गार्जियन ऑफ 2000 मैन या ग्रुप्स है प्रोविजन फॉर 54 डेज, एट द एंड ऑफ 15 डेज आर इन्फोर्समेंट अराइव्स एंड इट इज नाउ फाउंड दैट द प्रोविजन विल बी लास्ट ओनली फॉर 20 मोर डेज, व्हाट इज द इन्फोर्समेंट, बताओ जरा क्या आंसर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त जिसे कहते हैं। देखो इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ पर्सन आए, सो उसने क्या बोला, गार्जियन ऑफ 2000 मैन प्रोविजन फूड फॉर 54 डेज, सो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं कि भाई 2000 बंदों का 54 डेज का खाना है अपने पास, क्लियर है। अगर मैं बात करूं वर्क डन कितना है, आप कहोगे भाई एट द एंड ऑफ 15 डेज कि 2000 बंदों ने 15 दिन तक खाना खाया, तो अगर इन्हें माइनस करोगे तो क्या आएगा रिमेनिंग वर्क, ये कितना 2000 इंटू माइनस करो 39। अब हुआ क्या, यही तो काम बचा हुआ है, यही तो काम बचा है। अब वो ये कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ पर्सन आ गए, मुझे नहीं पता कितने हैं, मैंने माना लेट पी नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब अगर पहले 2000 पर्सन थे, अब नंबर ऑफ पर्सन पी बढ़ गए और कितने दिन काम हुआ ये 20, इजंट इट मेकिंग ए सेंस, यस इट इज, तो भाई 20 से काटो इसको कितने में गया ये 100 पे, सो 3900 इज इक्वल टू 2000 प्लस पी, तो पी कितना आ गया बच्चों मेरे पास 1900, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, करिए जरा इसको, करो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चनों में से था एक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई बढ़ लेते हैं फिर, आप कह रहे हो तो इतना है। चलो इफ 34 मैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे। अब यहां पे ना पूरा फॉर्मूला लगेगा, जैसे M1 D1 H1 E1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 W2, ये लगेगा पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरे पास। वो कह रहा है 34 मैन कंप्लीट्स वर्क कितना है, ये ग्रुप जो है टोटल काम का 2/5 खत्म कर रहा है, एक काम था तो 2/5 खत्म कर दिए, कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में 9 घंटे काम किया जा रहा है, क्लियर है। अगर टोटल काम एक था बच्चों, एक में से 2/5 गया कितना बचा,
तीन बटे पांच, इसका मतलब काम तो कितना रहेगा अपने पास। अब वो कह रहा हाउ मेनी मोर मैन, मैंने मारा भाई 34 प्लस पी परसेंट इंगेज कर लिया ना भाई अपने, क्लियर है। सो 6 दिन और वर्किंग आवर्स भाई 9 है, तो भाई देखो 5 से 5 कटा, ठीक है 9 से 9 कटा, 2 चौके 8, सो 3 दूना 6 2 दूनी 4, तो 68 इज इक्वल टू 34 प्लस पी, पी कितना आ गया 34। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी 34 मैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक एंड वाला क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें इसको बच्चों, एंड वाला क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन इज 6 boys and 8 girls कैन डू अ जॉब इन 10 days, 26 boys and 48 women डू द डू वर्क इन 2 days, फाइंड टाइम टेकन बाय 15 boys and 20 girls टू डू सेम वर्क, बताओ। चलिए देखो क्या दिया है, 6 boys plus 8 girls 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं मंडी में, और 26 boys and 48, तो यहाँ पे वुमेन कैसे आ गई, गर्ल्स ही आनी चाहिए, यहाँ पे गर्ल्स ही आएगा, लेट मी चेक दिस। बिल्कुल जी गर्ल्स ही आना चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, गर्ल्स इन 2 days, तो भाई इसको मिलाओ जरा देख लेते हैं एक बार करके, तो 30 boys plus 40 girls इज इक्वल टू 26 boys plus 48 girls, क्लियर है जी, लिख लो बड़े वाले। सो 30 boys minus of 26 boys इज इक्वल टू 48 girls minus of 40 girls, इस जी को ना बड़ा ही कर लो, कन्फ्यूजन होगी कि क्या है जी, एंड जी क्लियर। तो 4 boys is equal to 8 girls, तो बॉयज अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2/1, इज 2/1 इज क्लियर। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का जो 2 रेशो बना गया। अब वो ये कह रहा है भाई किसको करना है काम, 15 boys, देखो यहाँ पे भी गर्ल्स है तो वहाँ वुमेन ही गर्ल्स ही आएगा, प्लस 20 girls, कितने नंबर ऑफ डेज में काम करेंगे भाई, कौन सा काम, ये वाला काम, सो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए तो 6 into 2 plus 8 into 1 into 10, उसको उठाइए 15 into 2 plus 20 into 1 into number of days, तो ये कितना हो गया 12 8 20, 20 गुना 10 30 और 20 50, नंबर ऑफ डेज 5, तो ऑप्शन नंबर सी 4 days इज द राइट आंसर, तो सी क्या 4 days सही आंसर था इसका, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो नोट कर लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं भाई, नोट कीजिए शाबाश। सो प्लीज़ माइक्रो कोर्स को भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बड़ा मज़ा आने वाला आपको, मैं बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क के अंडर ही मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन, मैंने तो सब टॉपिक्स कराए हैं कि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, बट वहाँ पे आपको ये जो है टाइम एंड वर्क के अंडर ही मिलने वाला, क्लियर है। तो ऐसा मत देखिएगा कि चेंज रूल अलग से होगा, बट मैंने हमेशा ही करवाता हूँ, रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट अलग अलग बिल्डअप होते हैं, क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू फिनिश अ सर्टन वर्क इन 124 days एंड एम्प्लॉयड 120 men, आफ्टर 64 days ही हैड फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी वर्क डन 2/3 ऑफ द टोटल वर्क, हाउ मेनी मैन कुड ही डिस्चार्ज सो दैट द वर्क मे फिनिश इन टाइम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज करो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना, चलो देखें जरा। देखो सबसे पहली बात मैं वही लिखूंगा, m1 d1 h1 e1 upon w1 is equal to m2
डी टू एस यू टू अपॉन डब्ल्यू टू। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू फिनिश अ वर्क इन 124 डेज, इसका मतलब 124 दिन में खत्म होना है काम, और 120 बंद, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, 120 बंदों ने कितने दिन काम किया है, 64 दिन काम किया, एफिशिएंसी दिन, और कितना काम खत्म हो गया, 2/3 मेरा काम खत्म हो गया। समझ आ गई बात कि भाई 120 बंदों ने 64 दिन काम किया, 2/3 काम खत्म हो चुका है, क्लियर है। उसके बाद आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी फिनिश 2/3 काम, इसका मतलब अगर 2/3 काम था, एक अगर 2/3 हो गया तो कितना बचा मेरे पास, 1/3 काम बच गया, 1/3 काम बच गया। और देखो 120 मैंने माना भी पी नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसने रिलीज किए होंगे, क्लियर है। सो और बताना क्या है मेरे को भाई, और 64 डेज टोटल काम कितने दिन था, तो इन्होंने 60 दिन काम किया होगा, अगर 64 हुआ तो 60 ही होंगे, प्लीज़ चेक करो क्या ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखो 3 से 3 कटा, 60 दूनी 120, 2 से 2 कटा, तो 64 इज इक्वल टू 120 माइनस पी, तो पी कितना बचा, 120 माइनस 64, यानी पी कितना हो मेरे पास, 56। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज द क्लियर। तो पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 56। तो फटाफट इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, 16 मैन एंड 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन एंड 27 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कैसे करेंगे इसको, देखो फिर एंड वाला क्वेश्चन है कि 16 मैन प्लस 12 वुमेन भाई किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, एंड 18 वुमेन, ओके इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार तो 2 का दिया हुआ है, और दूसरी बार कंपेयर किससे करवा रखा है भाई, 18 वुमेन से, तो काटो जरा इसको 2, तो 16 मैन, एक बार चेक करो डाटा यही है इन 40 डेज, चलो देखते हैं जरा, 12 वुमेन इज इक्वल टू 36 वुमेन, तो 16 मैन इज इक्वल टू कितना, 36 वुमेन माइनस 12 वुमेन, सो 16 मैन इज इक्वल टू कितना, 24 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास, 24/16 यानी 8 दिया 24, 3/2 आ गया, 3/2 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या बोल रहा है भाई, 12 मैन प्लस 27 वुमेन कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे इस काम को, क्लियर है। सो सब कुछ दिया ही हुआ है, तो 16 × 3 प्लस 12 × 2 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 12 × 3 प्लस 27 × 2 इंटू नंबर ऑफ डेज, सो 16 × 3 = 48 और 24 कितना हो गया, 72 डी इज इक्वल टू 12 × 36 54, 36 प्लस 90 हो गया, और नंबर ऑफ डेज कितने मेरे पास, डी को लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 20। सो नो, अगर मैं बात करूँ, 9 × 72 = 10, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 10, सो यहाँ पे कुछ कटिंग में मिस्टेक हुई है क्या, 72 डी, एक बार दोबारा देख लें इसको ज़रा, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है, लेट मी चेक द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो। चलिए देखो ये कितना हो मेरे पास, 16 × 48 = 24, 72, एक मिनट, मैं यहाँ गलती क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं गलती ये कर रहा हूँ, मुझे 20 यहाँ लगाना चाहिए, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आई थिंक यस, ये मेरी गलती है, 12 × 3 यस, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आएगा, 72 × 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 और 54 90 आ गया, अब सही आ जाएगा, मुझे शायद यही गलती लग रही थी, तो 8 × 2 कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए
16 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? सो काफी अच्छा प्रश्न था ये, है ना। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बिकॉज बेटा बहुत टाइम लगता है, हमारी कंटेंट की टीम दिन रात एक कर देती है ऐसे बढ़िया बड़े क्वेश्चन लाने के लिए, ऊपर से एक्सप्लेनेशन, फिर आपको सब कुछ बताना, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप इन वीडियोस को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो बच्चों कैसे काम चलेगा बताओ फिर, कैसे हम मेहनत करने को दिल करेगा। आपके लिए तो हो रहा है सारा ये, आपके लिए ही है सारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ मैं। चलो, अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड एम्प्लॉयड 140 मैन अप टू इट। एट द एंड ऑफ 66 डेज ओनली हाफ ऑफ द वर्क वॉज डन, सो ही पुट ऑन 35 एक्स्ट्रा मैन, बाई हाउ मच टाइम डी एक्सीड द स्पेसिफिक टाइम। बताइए क्या आंसर है इसका, बताइए बताइए जरा आंसर क्या इसका। देखो एक बात था, उसने क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड एम्प्लॉयड 140 मैन, एट द एंड ऑफ 66 डेज ओनली हाफ ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीट। एक बात था, इसका मतलब जो आधा काम है मेरा कितना होगा, 140 या 120 डेज है मेरे पास, 140 इंटू 66 क्या मेरा आधा काम होगा, सोच के देखो क्या ये मेरा आधा काम होगा। बिकॉज अगर आपको ये बोला जा रहा है कि वर्क डन, इजिकल टू 140 मैन थे और 66 डेज में इन्होंने हाफ काम किया, तो डेफिनेटली जितना काम किया वही उतना ही तो काम बचा होगा, जितना काम मैंने किया उतना ही काम तो बचा होगा। अब उसने क्या किया, सो ही एम्प्लॉयड 25 एक्स्ट्रा मैन, सो इसका मतलब हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 66 डेज ओनली हाफ ऑफ द वर्क वॉज डन, सो ही पुट ऑन 25 एक्स्ट्रा मैन। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस टोटल वर्क को निकालना, भी टोटल वर्क कैसे निकालूंगा मैं, यानी अब अगर 140 मैन थे तो 25 और हो गया कितना हो गया, 120 डेज में करना था, हो कितने मेरा भाई, स्पेसिफिक टाइम बताना मुझे, है ना। चलो करें फिर इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया मेरा हाफ ऑफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि 140 मैन थे, 25 और आ गए, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 165। इस काम को होने में कितना दिन लगेगा मुझे ये पता करना है, क्लियर है। सो 11 से काटो, 11 छः 66, 11 एकम 11 15, 3 दूना 6 3 पंच 15, ये कितना हो गया 28, 28 गुना 2 कितना हो गया 56 डेज, ठीक है। 120 दिन में कर, 120 दिन में करना था, देखो पहले 66 दिन लगे, ठीक है, अब 56 दिन लग रहे, कितना हो गया 122। काम कितने में होना था भाई, 120 दिन में लगे कितने, 122, यानी कितना दिन लगा। तो ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको कराने की कोशिश की है कि एक तरह का, हर तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास हो, अभी भी अगर एक दो टाइप बची होगी तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, क्लियर है। सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों प्लीज मत भूलिए, आपका अपना चैनल है, क्लियर है। नेक्स्ट इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स, अब ये क्या है भाई, हैं। चलो जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपसे, उसके लिए भाई बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। अब माइक्रो कोर्स क्या है, सपोज करो आपने असाइनमेंट वर्क पढ़ा, सो आपको जिज्ञासा होती है कि हाँ यार कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपका वीक है आप पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी एक्स वाई जेड कहीं पे भी आप खरीदते हैं, सो वहाँ पे क्या होगा आपके साथ, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स पकड़ा दिया जाएगा इंक्लूडिंग ऑल पीडीएफ्स। उससे आपका नुकसान है, आपका भला तो क्या होना, रीज़न क्या है इसका, कि भाई आप वो चैप्टर पहले कर रहे हो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसमें मज़ा आता है, काम वही तो किया जाता है, बट माइक्रो कोर्स में क्या स्पेसिफिकली वो चीज़ खरीद सकते हो जो आपको एक्चुअली में ज़रूरत है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको फिलहाल। देखिए जैसे मैं बात करूँ चूज एग्जाम में जाऊंगा मैं, देखिए एसएससी पे देखिए, और दूसरी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, सबसे जाना मुझे माइक्रो कोर्स पे या माइक्रो कोर्स वर्स माइक्रो कोर्स पे, यहाँ पे आपका नंबर डालिए, कॉल मी और व्हाट्सएप दोनों के दोनों ऑप्शंस
हैं, जैसा आप चाहेंगे टीम वैसे ही आपके साथ जुड़ेगी। क्लियर है? यह है एसएससी सीजीएल, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, मैंने कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सब भी बंडल है 4706 का। प्लस मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ मत लो, बिकॉज वो लोग जो आपको जरूरत है, जैसे मैं बात करूँ, मैंने टाइम एंड वर्क किया है, देखिए पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड वर्क नीचे होगा मेरा शायद, टाइम एंड वर्क क्या क्या देखो इसके अंदर, 161 रुपीज़ का सिर्फ सिर्फ 161 रुपये का, इससे ज़्यादा तो नुक्कड़ पे खड़ों के हम खा जाते हैं, उसका पूरा चैप्टर मिल रहा है। 6 मिनट का फ्री ट्रायल आपके ऐसे नहीं, ट्रायल कितने का है, 6 मिनट तक आप इसको पूरी तरह से इन्जॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 मिनट था, टीम ने कहा भैया बच्चों को टाइम चाहिए तो 6 मिनट, क्योंकि इंक्वायरीज बढ़ रही है, बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चार वेब नोट्स हैं मेरे पास, प्लस 364 MCQs हैं, 364 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे पास। क्लियर है? तो 161 रुपये में इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए भाई आप लोगों को? क्लियर है? सो प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन फैला दो भैया आग की तरह, ठीक है? आग लगा दो, फाड़ दो, चीर दो, हैं ऐसा कहना पड़ेगा क्या? आप तो भैया आपका अपना चैनल है, आओ इस पर जुड़ो, तब मज़ा आएगा, लाइव भी जाएंगे, कोर्स भी बताऊँगा, सब बताऊँगा, बट पहले आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थैंक यू। और कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, थैंक यू।